हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका भाई सुमसा सुपारी। रिसेंटली 2 दिनों से बहुत सारे कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि भाई आपकी आईडी को क्या हुआ। आप सबको बता दूं, मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी परमानेंटली फेसबुक की तरफ से डिलीट कर दी गई है, इंस्टाग्राम की तरफ से डिलीट कर दी गई है। वो आईडी वापस नहीं आएगी, शायद फेसबुक पेज जो वेरीफाइड है मेरा वो क्लेम हो जाएगा। आई थिंक अभी हुआ नहीं है, प्रोसेस चल रहा है, पर देखते हैं क्या होता है। पूरी बात क्या हुई मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। एक वीडियो है जो मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि ये वीडियो पोस्ट करने से इंस्टाग्राम आपको विदाउट कोई वार्निंग बैन कर देगा। मैंने कहा यार ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने जो वीडियो दिखाया था वो वीडियो मैं ऑलरेडी 2 महीने पहले किसी को 4-5 बार पोस्ट कर चुका हूँ और उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने क्या, मैं 100% श्योर था क्योंकि मैंने कर रखा था ऑलरेडी वो वीडियो, और वीडियो में ऐसा कुछ है भी नहीं। 2 बच्चे हैं, नंगे बच्चे हैं, कपड़े नहीं पहन रखे उन्होंने। वो बच्चे आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, और वो वीडियो मैंने जैसे ही चैट में मैसेज में भेजा जैसे किसी को, तो आईडी डायरेक्ट विदाउट कोई रीज़न, विदाउट कोई वार्निंग, विद इन 5 सेकेंड्स आईडी डिलीट हो गई, वहाँ से लॉग आउट हो गए सारे अकाउंट। फिर मैंने कहा यार ये तो हो नहीं सकता, हुआ कैसे। मैंने आईटी एक्सपर्ट कमिश्नर साहब, मेरे जान पहचान के बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करी, साइबर एक्सपर्ट से भी बात करी। उन्होंने सारी अपनी जितनी कोशिश कर सकते थे उन्होंने सारी कोशिश करी, पर उन्होंने कहा कि इंडिया में अभी जो चाइल्ड पॉलिसी चल रही है, जिसकी वजह से शायद आपको पता होगा टिकटॉक और पबजी को भी बैन कर दिया गया था, जिसमें न्यूडिटी के जो दिखते हैं वो बैन कर देता है। तो कुछ मेरे अजीज लोगों ने ये भी बताया कि इंस्टाग्राम और फेसबुक दुश्मनी निकाल रहे हैं इंडिया से, वो बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स को भी लपेटे में ले रहे हैं। मैंने सुना अभी जैसे कि एक लड़की थी महाराष्ट्र की, उसके 1.7 मिलियन और ब्लू टिक भी लगा हुआ था, उसका अकाउंट भी डिलीट कर दिया उन्होंने परमानेंट। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि, मैं मानता हूँ कि देखो अगर किसी बच्चे के हाथ में फ़ोन हो और उसने गलती से कोई फोटो या वीडियो ऐसा पोस्ट कर दिया या ऐसा कुछ मैसेज में डाल दिया, तो आप क्या करोगे। कोई क्रिएटर मेहनत करके आगे आता है तो उसके कुछ अच्छी मतलब फॉलोवर या अच्छी ग्रोथ हो तो एकदम से उसका अकाउंट डिलीट कर देगा। ये है वैसे पूरा गलत और कम्युनिटी के अगेंस्ट है। तो आपको भाई जितने भी लोग देख रहे हो, अगर आपको ये लगे कि हाँ ये चीज़ गलत है, तो इस चीज़ पर आप, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि एक हाई कोर्ट में इस इंस्टाग्राम पे नाम पे एक केस डालूंगा मैं ज़रूर। पर जो मेरी जो पुरानी जो आइडिया है वो सारी गई, अब मैंने इंस्टाग्राम पे नई आईडी बना ली है फाइनली, आई एम सुमसा सुपारी नाम से। और फेसबुक का भी मैं जल्दी अपडेट देता हूँ, जैसे ही फेसबुक पेज अगर मेरे पास रिकवर होता है तो ठीक, नहीं तो मैं खुद नया पेज बनाऊँगा। और ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, 20,000 फॉलोअर थे, ग्रोथ थी, कुछ यादें ज़रूर जुड़ी थी उस इंस्टाग्राम आईडी से, बहुत सारे लोग कनेक्टेड थे। जो हो गया सो हो गया, उसको हम नहीं कर सकते। लोग, बड़े बड़े लोग मर जाते हैं, चले जाते हैं, तो ये तो चलो एक आईडी थी, टेंशन की बात नहीं है। जितने भी मेरे काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन आके बोल रहे यार बहुत दुख हुआ, तो दुख की बात नहीं है, वैसे हुआ जो हो गया। पर आप सभी लोग ध्यान रखना, एक कोई जोकर का फोटो है, वो जोकर का फोटो आप अगर किसी को भेजते हो तो भी आपकी आईडी बैन हो जाती है। ये रिसेंटली केस जो साइबर एक्सपर्ट ने मुझे अभी बताया कि पिछले 7 दिनों में 1.5-2 लाख केस ऐसे आ रखे हैं उनके पास, 1.5-2 लाख, और उन सबके फॉलोवर 100K से ऊपर है। 100K से नीचे तो बहुत मतलब छोटे मोटे हैं, बहुत कम लोग हैं, पर जो 100K से ऊपर ऊपर वाले 1.5-2 लाख पता नहीं कितने केस बता रहे थे वो मेरे को 7 दिन के अंदर। तो शायद क्या पता इंस्टाग्राम दुश्मनी निकाल रहा हो इंडिया से, इंडिया बैन कर रहा था व्हाट्सएप को, ऐसा कुछ हो सकता है। बहुत सारी जानकारी मुझे पता नहीं, और ऐसा कुछ हुआ हो तो अपन डायरेक्ट किसी को गलत नहीं बोल सकते, पर ये चाइल्ड जो पॉलिसी है उसके लिए वैसे ऑप्शन बहुत अच्छा है, इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है इनको। इंडिया में इंस्टाग्राम का प्रॉपर कोई ऑफिस नहीं है, तो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी में ये भी था कि आपका कोई प्रॉपर आदमी या हो जिससे हम बात कर सके या पुराना डेटा ले सके। इसके खिलाफ लड़ाई चल रही है, उन्होंने बोला हम जल्दी ये इस पे कार्रवाई करेंगे, पर उन्होंने ऐसा अभी तक कुछ किया नहीं है, बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो पता नहीं कब करेंगे, कब आईडी आएगी,
तब तक अपन वेट नहीं कर सकते। मेरी तरफ से मैं आईडी को भूल चुका हूँ, सुमसा सुपारी बोलते इंस्टाग्राम अकाउंट जो मेरा था, अगर रिकवर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं भूल चुका हूँ। अब जो नई आईडी आई एम सुमसा सुपारी नाम से, मैं उस पर मिलूँगा आप सभी को। तो जितने भी लोग हो ये मेरी बात सब तक फैला जरूर देना कि आप लोग जोकर की फ़ोटो, नंगे बच्चों की फ़ोटो या ऐसा कोई भी वीडियो आता है तो गलती से भी ना ही कोई मैसेज में डालना, ना ही कोई पोस्ट करना, ना ही कोई स्टोरी में लगाना। हो सके जितनी जितना कुछ हो सके आप सोच समझ के पोस्ट डालिएगा, मैसेज डालिएगा। मैंने एक्सपेरिमेंट मेरे खुद पे किया था, चलो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं इस चीज़ को रिकवर भी कर लूँगा हर चीज़ को। पर अगर कोई बहुत मेहनत करके कोई बंदा आगे आता है और उसके साथ ऐसी चोट होती है, वेरीफाइड अगर इंस्टाग्राम अकाउंट हो उसका, तो वो वापस रिकवर नहीं हो पाएगा। चलो मेरा इंस्टाग्राम वेरीफाइड नहीं था, मेरा फेसबुक वेरीफाइड था तो फेसबुक पेज तो शायद क्लेम हो जाएगा, और इंस्टाग्राम वेरीफाइड नहीं था तो मेरा वेरीफाइड ये नया वाला अकाउंट हो जाएगा, इंस्टाग्राम की कोई दिक्कत नहीं है। पर किसी मेहनत करने वाले क्रिएटर के साथ या कुछ कोई गरीब आदमी हो यार, उसके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर जरूर कर देना ताकि ऐसी एक्टिविटी के शिकार और कोई लोग ना हो। और हाँ, याद रखना एक और चीज़ चल रही है, कुछ पोस्टर्स होते हैं ना, उस कुछ पोस्टर में कुछ लोगो होता है, उन लोगों पे भी ध्यान रखना, क्योंकि लोगों के अंदर भी कुछ जोकर के फ़ोटो या ऐसी कोई आपको एक्टिविटी लगे कि भाई ये कुछ मेरे को उल्टा सुलटा लग रहा है। लोग आजकल क्या करते हैं, पेड प्रमोशन के नाम से पैसे देते हैं कि भाई ये 5,000 रुपये देता हूँ मैं आपको, आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दो। और वो ऐसे जैसे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाएंगे उसके 5-10 सेकंड बाद में आपका अकाउंट सीधा डिलीट। उसका कोई रीज़न नहीं बताएगा कि आपने ये फ़ोटो डाला उसकी वजह से बैन करा, कोई रीज़न नहीं बताएगा। वो इतना ही लिखा हुआ आएगा कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ या फिर आपने इनकी टर्म्स के खिलाफ कुछ इंस्टाग्राम पे डाला। अब अपने को पता नहीं चलेगा कि अपन ने डाला क्या एक्चुअली। पर मेरा जो था, मेरे सामने जो भी एक्सपेरिमेंट मैंने खुद ने करा है और मेरी ओरिजिनल आईडी पे करा है, तो मैं तो उस चीज़ों का शिकार हो चुका हूँ, आप मत होना। और जितने भी लोग भाई मेरे से जुड़े हुए थे, मेरे भाई थे, मेरी बहनें थी, मेरे दोस्त थे, मुझे बताए मेरा अकाउंट वो रिकवर नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना, मैसेज ज़रूर डाल देना। और काफ़ी सारे लोगों के नंबर भी मेरे इंस्टाग्राम पे ही थे, चैट में ले रखे थे मैंने। तो भाई जितना हो सके मुझे एक बार मैसेज में हाय डाल के अपने नंबर ज़रूर वापस दे देना जिनसे मेरी बात हो रखी थी और यादें जुड़ी हुई थी यार उस इंस्टाग्राम से। कोई नहीं, है पूरा गलत ये गलती एक्चुअली अपने भारतवासियों की है। मैं इनको ये नहीं कहता कि इंस्टाग्राम वाले गलत है, क्योंकि इंस्टाग्राम आउट ऑफ इंडिया का सारा खेल है, भारत के लोग बिजी कहाँ हैं कि लोग आजकल पबजी में ध्यान दे रहे हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया का गेम है। तो मैं चाहता हूँ इंडिया की कोई ऐसी एप्लीकेशन हो जैसे इंस्टाग्राम जैसी या फेसबुक जैसी, तो कम से कम उसके घर में जाके दरवाज़ा खटखटा के कि भाई ये क्या लफड़ा है, मेरा बैन कैसे कर दिया, ये सही करो, ये करो। चलो यार, कोई वार्निंग का ऑप्शन होना चाहिए कि भाई आपने ये गलती करी है और इसकी सजा ये है। जैसे कि आप विदाउट हेलमेट जाओगे तो सीधा आदमी का गला थोड़ी काट दिया जाएगा, नहीं काट सकता। तो उन्होंने एक्चुअली ऐसा करा है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट से वो पता नहीं क्या चाहते हैं, मुझे नहीं पता उनकी क्या होगी, मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मुझे पता है इनके काम काज मैंने देख रखे हैं, डायरेक्ट बैन करते हैं। तो फाइनली ये है गलत। तो मैं मेरे देश के युवाओं से भी ये कहना चाहूँगा कि भाई कुछ ऐसा करो कि फेसबुक इंस्टाग्राम इंडिया से ख़त्म, और इंडिया के अपने एप्लीकेशंस हो जहाँ पे इनकी सुनवाई हो और अपन जाके बात भी कर सके, इंडिया के जो लॉज है उन पे काम करे सारे। और जैसे आपको पता होगा यूट्यूब पे भी ऐसा कुछ होता है कि अगर यूट्यूब पे आप किसी का कंटेंट उठा देते हो या कुछ गलत चीज़ डाल देते हो तो यूट्यूब आपको एक वार्निंग देगा, 3 स्ट्राइक मारेगा, ऐसा कुछ, मतलब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। फिर उसके बाद में भी आपके पास ऑप्शन होता है कि ये स्ट्राइक हटा लेता है तो आपका अकाउंट डिलीट नहीं करा जाएगा। इसी प्रकार उसको वार्निंग जरूर देनी चाहिए। पर ये जो सडनली हुआ, आप भले कुछ भी कर लो, नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा वापस। साइबर एक्सपर्ट ने बोला कि ये अकाउंट नहीं आते वापस, क्योंकि
परमानेंटली रिमूव हो जाते हो, और 30 दिन तक शायद ये अकाउंट दिखेगा जरूर जिन लोगों से मेरी बात हो रखी है मैसेज में, पर 30 दिन बाद वहाँ पे शायद यूज़र नॉट फाउंड ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा। तो फाइनली फॉलो कर देना मुझे आई एम सुमसा सुपाई नाम से इंस्टाग्राम पे, और भाई ध्यान रखना कि ऐसी कोई भी पोस्ट ना करो। चलो मैं तो लोगों के दिलों में बसा हुआ हूँ, मैं यूट्यूब से आगे आया था, मैं सोशल मीडिया से वैसे भी नहीं था, और आप लोगों के ऊपर जो क्रिएटर मेहनत करते हैं इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, उन लोगों पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कोई पोस्ट मत करना गलती से भी। और ऐसे दुख की बात नहीं है, बहुत सारे फोन्स आ रहे हैं, तो भाई टेंशन नहीं लेने का, वो सिर्फ काउंट ऑफ नंबर फॉलोअर्स थे 20,000, आप लोग अगर मेरे साथ हो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और अकाउंट बना देंगे, 20,000 फॉलोअर रातों रात कर देंगे, टेंशन नहीं लेने का। ध्यान रखें, सुरक्षित रहे, और हाँ बच्चों की न्यूडिटी से सावधान रहना, वीडियो फोटो पोस्ट मत करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारे अकाउंट डिलीट हो जाएंगे विदाउट कोई रीज़न। टेक केयर, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।